चरणजीत का घर है नेड़े उतों टप के बाहर आए थे जिन्हों उ जाके झाड़िया च लुके जब उन्होंने माड़ा जहा पुछया गया तो उन्हें डब चो कटते हुए उत्तों अपने आप पिस्टल चल गई तो जिसते उत्थी डैथ हो गई है। जो बूहा खोलिया दो बंदे अपने गुआढ़ी जरा चरणजीत सिंह घरों भजे आ कंध के नाल साढ़े तो नज़दीक नहीं कि सा घर लागो लग गई है मेरे नवा घर पै रहा तो इधर मेरे बूहे के अगों लंघे क्रॉस कर मैं आवाज़ दी मैं भाई तुम कौन जो एक बंदा इन्हों का उत्थे जो परले पासे जिहड़ा मुंडा जिन्हों गोली लगी आ इन्हें ये इतने बैठा इन्हें आपदा आपदी वजी आने गोली आवाज़ आई सू अं भज गए इन्हें घर में आवाज़ दी इन्हों तो दूसरी जो मोटरसाइकिल इन्होंने लिखार के उत्ते घा पाया इस उनके उपर तो वह फिर चक के देखा साढ़े सामने घर वाले ने उन्हें दसिया भी इस तरह मोटरसाइकिल खड़ा आ दूसरी हैड वो देखा मोटरसाइकिल लाया थले मोटरसाइकिल से इन्हों का जी। सानू कल रात इनफॉर्मेशन मिली कि एक आदमी है नौजवान 25-30 साल उम्र है वो उत्थे डिग्गिया पिया खून निकल रहा नाल पिस्टल पई है। घटना ये वापरी है जी असी रात लाइट चले गई है जी लाइट चले गई है करीबन 8-9-10 बजे के करीब लाइट बंद हो गई इनवेटर भी बंद हो गया वो साढ़े रिश्तेदार आए हुए थे तो वो लाइट बंद करके असी नवी कोठी पै रही अं उत्थे उन्होंने बिठा के ना तो मैं इतना हवा आँदी है वो लम्बे पै गया तो मैं घर आ गया घर आके मैं बह गया 10-20 मिनट बैठा तो लाइट आ गई 11:30 बजे पूरे नैट 11:30-11 बजे फिर मैं बुला गया वापस मैं क्या चलो आ जाओ घर आ जाओ लाइट आ गई है। जो बूहा खोलिया दो बंदे अपने गुआढ़ी जरा चरणजीत सिंह घरों भजे आ कंध के नाल साढ़े तो नज़दीक नहीं कि साडा घर लागो लग गई है मेरे नवा घर पै रहा तो इधर मेरे बूहे के अगों लंघे क्रॉस कर मैं आवाज़ दी मैं भाई तुम कौन जो अद्धी रात साढ़े मतलब घर के लागू भजन लगे जो फिर देखा दो जने से उन्होंने आवाज़ मारने रोकने की कोशिश की मैं कोई रुको किड़े जो ये भज तुरे आज तुरे आते मैं सड़क तो दूजे पासे चले गया है मैं फिर आपके भरा आवाज़ मारी मैं बंदे पै गए इधरों इन्होंने गुआंढ अपने चरणजीत सिंह घरों निकले आ तो आप देखिए आवाज़ दईए उन्होंने पुछिए असी मतलब बाहर निकले हाँ जो बाहर निकले हाँ कोई 1-2 मिनट का वकवा पै गया तीजा बंदा जेहड़ा इन्हों का साथी वो इन्होंने परले पास मेन गेट वाले पास आया उधरों उधर पर दवार टप के इन्हों की है ना तो वह आ के हौली हौली नीवा नीवा हों हों तो वह सड़क वाली चले गया उधर असी इधर चले गए गेट तो राह तो परे चले गया असी उतों जाके तो इन्होंने आवाज़ दी असी गुरदर्शन सिंह फोन लाया भी आ बंदे पै गए एक बंदा इन्हों का उत्थे जो परले पासे जिहड़ा मुंडा जिन्हों गोली लगी आ इन्हें ये इतने बैठा इन्हें आपदा आपदी वजी आने गोली आवाज़ आई सू अं भज गए इन्हें घर में आवाज़ दी इन्हों उदों गुरदर्शन सिंह फोन लाया वो आ गए मुड़ के मुलाजम आ गए उन्हें चक के उन्हें देखा तो देखा तो गोली लगी पई से इन्हों तो उस तो बाद फिर आपकी कार्रवाई करके लै गए तो बाकी तिना बंद जे दो बंदे होर आ उन्हां बारे मतलब प्रशासन को मंग है भी उन्होंने वेरीफाई किया जाए उन्होंने लभ्या जाए भी वारदात कर आए थे लुट के मसले ना आए थे या किसी होर मसले ना आए थे नहीं उन्हें नहीं पता लगा वो मुलाजम उन्होंने लै गए जी तो उस तो बाद की है एक दूसरी साइड के मोटरसाइकिल सुबह फिर असी वेख्या मुलाजम ही सके सारे नाल आए SHO साहब भी नाल से तो दूसरी जो मोटरसाइकिल इन्होंने लिखार के उत्ते घा पाया इस उनके उपर तो वह फिर चक के देखा साढ़े सामने घर वाले ने उन्हें दसिया भी इस तरह मोटरसाइकिल खड़ा आ दूसरी हैड वो देखा मोटरसाइकिल लाया थले मोटरसाइकिल से इन्हों का जी वो भी मुलाजम लै गया जी थाने वाले सिटी वाले जी। ये अपने बस्ती बूटे वाली है जीरा मखू हाईवे के उत्ते जब आप मखू तो जीरे वाले पास आने उत्थे सानू कल रात इनफॉर्मेशन मिली कि एक आदमी है नौजवान 25-30 साल उम्र है वो उत्थे डिग्गिया पिया खून निकल रहा नाल पिस्टल पई है जिसते साड़ी फोर्स उत्थे गई है गए है उत्थे जाके चेक किया तो अनआइडेंटिफाइड नौजवान है हजे तक आइडेंटिटी हुई नहीं है वो दे एक अपने खब्बे पट के उत्ते उतली साइड से गोली वजी हुई सी जिथों एक अपना अमरजीत है उत्थे नाल दा गुआंढी जिन्हें सानू ये दस्या कि बई ये
ਚਰਨਜੀਤ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲੁੱਕ ਗਏ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਡੱਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿਸਟਲ ਚੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡੈੱਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਰਖਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ ਤਿਵੇਂ ਕਰ। ਸਰ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਸਟਲ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਡੀਲਕਸ ਸੀ ਡੀ ਡੀਲਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐੱਚ ਐੱਫ ਡੀਲਕਸ ਸੋਰੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੱਬਲ। ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਭੱਜਦੇ ਮਾਰੇ, ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਪਰ ਹਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਸਟਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ 5 ਮਿਲੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਪਟਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 8 ਸੀਗੇ। ਅਖੰਡੀ ਮਾਲਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪੰਡਿਤ ਵਿਕਰਾਂਤ ਵਰਮਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਪੀਆਰ ਸਮੱਸਿਆ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਵਾਹ, ਸੌਤਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਵਪਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਕਲੇਸ਼, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਨਬਨ, ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਜਾਦੂ ਪੂਨਾ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਧਾਨ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਪੰਡਿਤ ਵਿਕਰਾਂਤ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ।